भारतीय जनता पार्टी एवं युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं द्वारा आज भारतीय जवान CDS श्री विपिन रावत उनकी धर्मपत्नी एवं शहीद जवानों की शहादत पर आज स्थानीय गांधी चौराहे पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा जिला अध्यक्ष अमित मुना एवं युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष अभय यादव के नेतृत्व में विशाल बाइक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय बैंक डॉक्टर वीरेंद्र कुमार एवं युवा मोर्चा प्रदेश महामंत्री राहुल तिवारी एवं पूर्व युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष ब्रजकिशोर तिवारी शामिल हुए। प्रथम रामराजा सरकार नजरबाग मंदिर प्रांगण से बाइक रैली प्रारंभ की गई। श्रद्धांजलि रैली विभिन्न चौराहे से होते हुए शहीदों की मूर्तियों पर माल्यार्पण करके श्रद्धांजलि दी एवं यह बाइक रैली गांधी चौराहे पर पहुंची, जहां अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि देश के सैनिक ही हमारे सच्चे हीरो हैं, वो सीमा पर हैं, इस कारण हम सुरक्षित हैं। इस दुख की घड़ी में हम सभी देशवासी हमारे वीर सैनिकों के साथ खड़े हैं। भाजपा जिला अध्यक्ष अमित मुना ने कहा कि CDS विपिन रावत सहित सभी जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि आज देश के प्रत्येक नागरिक की आंखें नम हैं। विपिन रावत ने हमारे दुश्मनों को सीमा पर कई बार खदेड़ा है, दुश्मन उनके नाम से कांपते थे। ऐसे देश के सच्चे सपूत को खोने का हम सब देशवासियों को दुख है। टीकमगढ़ जिले की ओर से हम उन अमर सपूतों को अभूतपूर्व श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं। इस अवसर पर अमर शहीद नारायण दास खरे, महात्मा गांधी सहित सभी स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, भाजपा सहित अनेक भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। देश की सीमाओं के लिए रक्षा।